हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेबी एक्टिविटी आरू में। और क्या है, आज दिन है संडे का। जो मॉर्निंग ब्लॉग था वो मैंने आपके साथ, आप लोगों के साथ में शेयर किया था, और ये जो है मेरा इवनिंग ब्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्या है, शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5। और मैं अभी क्या है, मैं आपके साथ करूँगी चिली पनीर बनाऊँगी, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और आप हमारे साथ में बने रहिए। उसके लिए क्या है, आप हमें अपना थोड़ा सा प्यार देके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर किया करो। और हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद में ये वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, बच्चे के साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? अब हम बनाना करते हैं स्टार्ट। देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्नैक्स, बहुत ही डिलीशियस है, और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक अमूल पनीर का पैकेट लिया है, और 4 प्याज लिया है, और शिमला मिर्च है, और ये है कॉर्नफ्लोर, ये सारी चीज़ें हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं। और देखना कितना टेस्टी हमारा बनता है, क्या बनाते हैं देखिए। उसके लिए मैं ये बड़ी साइज़ के प्याज हैं, मीडियम साइज़ के प्याज हैं, बड़ी साइज़ के नहीं है, सॉरी, मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज लिया है। और प्याज को हमें अच्छे से छील के साफ़ करना है, फिर हमें इसको काटना है 4 टुकड़ों में। इसके हमें 4 टुकड़े करने हैं प्याज के, बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं करना है। इस तरह से हम इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं। देखिए, बनाएंगे इसके जो टुकड़े हैं, हम इस तरह से कट कर लेंगे सारी प्याज, और इसके जो अंदर से पीसेस हैं वो सारे पीसेस निकाल लेंगे एक एक करके। इस तरह से इसके सारे जो पीस अंदर रहते हैं वो एक एक जो परत रहती है वो सारी निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने सारी प्याज को निकाल लिया है, और यहाँ शिमला मिर्च है, इसको हम बड़ा बड़ा कट करेंगे, छोटा छोटा कट नहीं करना है, बड़ा बड़ा कट किया है। देखिए इस टाइप से, और यहाँ मैंने क्या है, ये पैकेट में थोड़ा छोटा छोटा भी था वो, उसको मैंने अलग कर दिया पनीर को, और इसमें अच्छे अच्छे जो पीस थे वो निकाल लिए हैं। और इसमें मैं कर रही हूँ आधा चम्मच, मैंने छोटा चम्मच है उस नमक लिया है, और लाल मिर्ची, और कॉर्नफ्लोर मतलब अरारोट बोलते हैं जिसे, वो इसमें सारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें पनीर में ऊपर से। देखिए, इस तरह से मेरा सारा मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। आज अच्छा खाने का मन कर रहा था, हमने कहा लाओ बनाएं, ट्राई करते हैं, बहुत दिन हो गए तब खाया था, बहुत दिनों से नहीं बनाया है, हमने कहा आज बनाते हैं। इस तरह से सारे जो पनीर के टुकड़े हैं वो मैंने इस तरह से कढ़ाई में रख दिए हैं, और मीडियम फ्लेम पे इसको धीमे धीमे इसको भूनना है। यदि अच्छे से इसको चम्मच से पलटते रहना है, देखिए, इससे क्या है हमारा जो पनीर है बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए, इधर आरू भी है अपने पापा के साथ, मस्ती कर रही है, पापा आरू के हैं अभी घर पे। देखिए, उनका चलो आज कुछ अच्छा बनाएं।
यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ी चम्मच ऑयल लिया है, और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। शिमला मिर्च और प्याज साथ में डालेंगे तो क्या है, प्याज में वो शिमला मिर्च थोड़ी वो रहती है, इसीलिए मैंने पहले उसको 2-4 मिनट भून लिया था, तब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है। अब हम दोनों को अच्छे से भून लेंगे। अब ये हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये कुटी हुई काली मिर्च हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इससे क्या है, काली मिर्च से स्वाद जो है बहुत अच्छा रहता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने लिया है सोया सॉस, ये है विनेगर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2-2 चम्मच के समथिंग। और ये जो है कॉर्नफ्लोर, मैंने ये दो छोटे चम्मच घोल के रखा है पानी में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे क्या है, जो हमारा जो पेस्ट है वो गाढ़ा रहेगा। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है केचप सॉस। और देखिए ये हमारा पनीर है, और देखिए हमारा पनीर जो है चिली पनीर बहुत अच्छे से बन के हो गया तैयार। देखिए कलर देखिए कितना अच्छा है, खाने में देखते हैं कैसा रहेगा हमारा चिली पनीर। अब 2 प्लेट लगा लेते हैं, एक अपने लिए और एक आरू के पापा के लिए। आरू को तो नहीं खाना है, आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, वाओ, देख के मुँह में पानी आ गया, जल्दी लग रहा है, जल्दी जल्दी खाओ इसको, गर्मा गर्म चिली पनीर। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती ऊपर से वो कर दिया है, उससे कितना अच्छा लग रहा है। लो आप भी इंजॉय कीजिए इस चिली पनीर का। ठीक है, देखो इधर मेरी प्लेट लग चुकी है, और आरू तो भाई पहले से तैयार है खाने के लिए। देखो दोनों प्लेट जो है अपनी तरफ रख ली हैं आरू ने, उसको खाना है दोनों, मम्मी पापा को नहीं देना है। आरू को देखो ऐसे लेके बैठ गई है, जैसे कितना सारा खाएगी आरू, एक इस हाथ में पकड़ा है चम्मच, एक इस हाथ में पकड़ा है, पापा जी को नहीं दे रही है। ले लो आप एक प्लेट ले लो इससे, हाँ लाओ एक प्लेट दे दो, देखो देखो आरू का तो देखो क्या रिएक्ट कर रही है। चलिए बहुत ही टेस्टी है, आरू के पापा तो बोल रहे हैं बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 2-4 प्लेट और हों तो और खा लो, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद आया है, बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया आज तो चिली पनीर खा के। देखिए आरू देख रही है पर खाएगी नहीं, पापा जी को खिला रही है, सबको खिला रही है अपने हाथ से, चम्मच छीन रही है, और पापा जी को खिलाना है, कभी मम्मा को खिलाना है। देख के मन तो कर रहा है पर आरू को तो खाना ही नहीं है, हाँ बस खटपट करते रहना है, कुछ नहीं खाती है। चलिए आप भी ट्राई कीजिएगा कभी इसी तरीके से, बहुत अच्छा बना है पनीर, चिली पनीर हमारा, मन कर रहा है एक दो प्लेट और होता। आरू के पापा बोले हैं बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका, देखिए आरू खिला रही है मम्मा को, देखो क्या है, संडे दोपहर में तो हमने के सोचा लाओ कुछ ना कुछ नया बनाए आज, वैसे तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, हमने सोचा आज कुछ नया बनाए, तो मैंने ट्राई किया आज, बहुत अच्छा बना पनीर मेरा, चिली पनीर थोड़ा तीखा था तो और मज़ा आ गया तीखे में, तीखा थोड़ा अच्छा लगता है, ये चीज़ें थोड़ी स्नैक्स होते हैं जो थोड़े तीखे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब किचन में, किचन को मुझे अब साफ़ करना है क्योंकि फिर शाम का भी खाना बनाना है,
बज गए हैं, 7 बजे बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी तो नहीं खाया है, बस हल्का फुल्का बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत बना लेंगे। और इधर देखिए हमारी आरू को खाली प्लेट मिल गई है, उसको ही खाए जा रही हैं। देखो क्यों, जब था तो नहीं खाया, आरू का भी मन कर रहा था खाने का, पर क्या करे बेचारी खाती नहीं है कुछ, देखे तो बहुत मुंह में पानी आ गया आरू के। क्यों, यहाँ देखो ये बच्चे आरू के साथ खेलने के लिए आए हैं, ये कह रहे हैं क्या कर रही हो आंटी जी। देखो ये वंश है, बहुत नोटी है। देखो ये आरू की वजह से बच्चे आ जाते हैं ऊपर खेलने के लिए। आरू को भी अच्छा लगता है जब बच्चे आ जाते हैं ऊपर, तो अच्छा लगता है। जब ये जाते हैं तो रोने लगती है इनकी वजह से, बच्चों की वजह से। पर क्या है बेचारी को तो ऊपर रहना है अकेले, तो इसीलिए बच्चे आते हैं कभी कभी, तो उसको अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना। बच्चे जो हैं बाहर हॉल में खेल रहे हैं बॉल से, बोल रहे हैं हमें कुछ खाना है, कुछ खाने को दो, मूँगफली खाने के लिए मांग रहे हैं। मूँगफली के दाने हैं मेरे पास रखे हुए, कहना है ये दो मुझे खाने को। चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं है। आपके एक को खाना है मुरब्बा आंवला का, देखिए। वंश तो बहुत नॉटी है, क्यों वंश। और मैं इधर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हुए हैं, कुछ ना कुछ बनाओ तो क्या है, बर्तन तो बहुत फैल जाते हैं, बहुत ये निकालो वो निकालो, किचन भी सारा फैल जाता है। तो आरू क्या है, आरू भी बच्चों के साथ खेल रही है, और पापा जी हैं वो टीवी देख रहे हैं, और 6 बज चुके हैं। खाना तो क्या है, हमें 7 बजे बनाना है, थोड़ा हल्का फुल्का बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि अभी तो पेट भर गया चिली पनीर से ही, पानी पी लिया। और इधर देखिए बच्चे चले गए तो आरू भी रो रही है, आरू को अच्छा नहीं लग रहा है। मामा के होठों से देखना, लिपस्टिक लगा लेती है। देखिए शाम के लिए कोई सब्जी देखते हैं, क्या बनाएंगे शाम को, फ्रिज में क्या क्या है सब्जी। फ्रिज भी खाली है, सामान भी कम है, आज संडे है, संडे में तो सारा कुछ बंद रहता है। सब्जी भी शायद सेम की फली है, वो बनाऊंगी मैं, अब सेम की फली और रोटियां। और आरू जो है मेरी हेल्प कराएगी, देखो वो ये बहुत टाइम में कटती हैं, इसको भी कट करना है, क्योंकि चलो अभी काट के रख लेते हैं, छोटी छोटी हैं तो इसमें टाइम लगेगा। और देखिए आरू भी साफ़ करवा रही है मम्मा के साथ में, वो तो उसमें भर रही है टोकरी में, मैं साफ़ कर रही हूँ, वो उसमें भरे जा रही है। क्या कर रही हो, नहीं फेंको मत, सारा निकाल निकाल के फेंक रही है। हाँ ये ख़राब है, ये फेंक दो, देखो कैसे फैलाई हैं आरू ने, देखो शैतानी देखो इस। ठीक है अब हम बनाएंगे सब्जी, सेम की फली की और रोटियां, और तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। और वीडियो अगर हम पूरा शाम का रूटीन शेयर करेंगे आपके साथ में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय। अगर हमारी चिली पनीर की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसी लगी, ताकि हमें पता चले कि हमारा चिली पनीर आप सबको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ओके बाय बाय।